हेलो दोस्तों, यह कहानी एक बच्ची और 100 के नोट का है। सयारा देर से सोई तो देर से उठी तो हर काम देर से होती चली गई। वह दौड़ते दौड़ते स्कूल बस तक पहुंच गई। एक पल की देरी हो जाती तो बस छूट जाती। वह बस में चढ़ी ही थी कि रीमा बोली, एक ही सीट बची है, आखिरी वाली। सयारा बस में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। स्कूल गेट आया, बस रुकी, बच्चे उतरने लगे। सयारा को सबसे बाद में उतरना था। अचानक उसकी नज़र एक सीट के नीचे पड़ी। वहां 100 रुपये का एक नोट मुड़ा तोड़ा पड़ा था। सयारा ने झट से वह नोट उठा लिया। उसने वह नोट मुट्ठी में बंद कर लिया। वह क्लास में आ पहुंची। पलक झपकते ही उसने नोट अपने स्कूल बैग में रख लिया। सुबह स्कूल में प्रार्थना सभा हुई। अब पहला पीरियड गणित का था। सयारा का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी, इंटरवल के कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी, 2 समोसे भी खाऊंगी, 2 पैकेट चिप्स के भी लूँगी, अब भी रुपये बच ही जाएंगे। जैसे तैसे पहला पीरियड बीता। दूसरा पीरियड हिंदी का था, लेकिन सयारा तो इंटरवल का इंतज़ार कर रही थी। वह सोचने लगी, आज तो मज़ा आ जाएगा, 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे 2-3 दिन घर का टिफिन नहीं खाना पड़ेगा, काश मुझे 100 रुपये हर रोज़ मिल जाते। तीसरा पीरियड भी बीत गया। चौथा पीरियड अंग्रेजी का था। सयारा सोचने लगी, बस अब कुछ ही देर में इंटरवल की घंटी बजने वाली है, आज तो भूख कुछ ज़्यादा ही लग रही है, यह क्या। तभी सकेला रोने लगी। क्लास में सारे बच्चे उसे पूछने लगे। वह रोते रोते बोली, मेरे 100 रुपये का नोट खो गया, पता नहीं कब स्कर्ट की जेब से गिर गया, कहाँ गिरा पता नहीं चला। स्कूल की छुट्टी के बाद मुझे अम्मी के लिए दवा लेकर जानी थी, अब्बू भी यहाँ नहीं है। अक्षरा ने कहा, स्कूल में रुपए लाना मना है, तुम लाए ही क्या, क्यों। अंशिका ने कहा, वह बता तो रही है, अम्मी के लिए दवा ले जानी थी, अब क्या होगा। अंग्रेजी की टीचर गुरलीन कापियां जांच रही थी। सकेला से पूछा तो उसने सारा किस्सा सुनाया। टीचर ने कहा, छुट्टी होने पर मुझसे 100 रुपये ले लेना, अम्मी को बता देना, जब मन हो मेरे रुपए लौटा देना। तब इंटरवल की घंटी बजी। सयारा ने झट से अपना बैग उठा लिया। अचानक उसे न जाने क्या हुआ, वह टीचर से बोली, मैम शायद यह 100 रुपये का नोट सकीला का ही है, मुझे मिला था, यह लीजिए। टीचर ने 100 रुपये का नोट सकेला को देते हुए कहा, यह लो 100 रुपये, गुड सयारा, वेरी गुड। क्लास रूम में तालियां बजने लगी। अगल बगल की क्लास में बच्चे भी वहां आ गए। सब सयारा की ही बात कर रहे थे। दूसरे ही क्षण तालियों की आवाज़ बढ़ने लगी। सयारा की कुछ सहेलियों ने उसे कंधों पर उठा लिया। सब चिल्लाने लगे, सयारा सयारा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।